यदि आपसे हम पूछें गुड्डू भैया नन्हे भैया आपसे पूछे हम कि सुबह से जगने से लेकर इस समय तक आपने क्या क्या किया है, क्या बोलेंगे? हाँ, यहां व्यवस्था व्यवस्था देखें, यहीं पर है, लोग आए देखें, ओके, यही ना? हाँ मुन्ना भैया, आप भी यही किए ना? ब्रश नहीं किए सुबह? ब्रश किए थे? बताए नहीं हम ब्रश किए हैं सुबह? नहाए नहीं है? नहाए ना? बताए नहीं दो बार? अब बताए नहीं नहाए हैं? अब समझिएगा, आप किसी से पूछिए कि सुबह से आपने क्या किया, कोई नहीं बोलेगा कि सवेरे उठनी है, बिस्तर पर से अपने आप नीचे उतरनी है, गईनी है कॉल के लगे, अपने हाथे चला चला के मुंह धोनी है, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? ये जो कर्म है ये जीव का सहज व्यवहार है, वो नित्य करता है, और सहज व्यवहार को कोई बताता नहीं है, वो कब कर लेता है उसे पता। सांस हम और आप ले रहे हैं, कोई सोचता है क्या कि भाई रतिया खान सूत जाम तक के सांस ली, कहीं भुला गई नहीं तब का हुई? कोई नहीं सोचता। हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे, गरियाते रहे, मारते रहे। हमारे गांव में वो हमार इया थी, इया अब तो नहीं रही वो, हम उनको देख, वो जब लड़ाई करती थी तो हम जाके बैठ जाते थे बगल में कि उससे झगड़ा करे वो, तो जब झगड़ा करे तो अपन दांतवा हाथ में निकाल के झगड़ा करे, नकली दांत पहनती थी, तो दतवा निकाल ले हाथ में और बाद लड़ाई करे। तो हम पूछे आई दतवा हाथ में लेके कहे लड़े लू, और पागल हब पहिन के जोर जोर से बोले मैं फेंका गिल। तो आदमी लड़ता रहे, कुछ भी करता रहे, श्वास लेता रहता है, उसे पता नहीं चलता। ये क्या है? सहज व्यवहार। भरद्वाज जी कहते प्रभु मैं चाहता हूं मेरा आपके प्रति सहज प्रेम हो जाए, अर्थात मैं प्रेम करता रहूं नाथ दिन रात और मुझे पता भी न चले। क्यों? अब आप कहोगे महाराज पता चलने में क्या भय है? पता चलने के बाद अहंकार जन्म ले लेता है। है कोई मेरे जैसा प्रेम करने वाला? आदमी मंदिर बनावत है हो, पूरा गांव नगर शहर मोहल्ला सबको बतावत है, देखो ये क्या है। जब हमको पता चल जाता है कि हम कर रहे हैं, अहंकार जन्म लेता है, और अहंकार जन्म ले लिया सारा किया हुआ व्यर्थ। भरद्वाज जी कहते हैं सहज प्रेम हो नाथ। अब ये सहज प्रेम कैसे होगा? जाहि न चाही कबहू कछु, फिर तुम सन सहज सने। इसमें 14 स्थान का आखिरी स्थान है, ये वाल्मीकि जी बोले हैं जी। कहते हैं प्रभु जो जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं चाहेगा उसी का सहज प्रेम होगा। मांगने से प्रेम बढ़ता नहीं है, मांगने से प्रेम घट जाता है। एक एक छंद है, मैं कल ही पढ़ रहा था, इसमें सुनाता हूं आपको। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, मूढ़ व्यक्ति के साथ ज्ञानी रहेगा तो भी मूढ़ मूर्ख हो जाएगा। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए। विषय का चिंतन करते रहने से बुद्धि समाप्त हो जाती है। तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन पाए। बहु भोजन विकास बाबू। हमारी टीम में एक दो महारथी ऐसन बालो
कि बढ़िया तरकारी बनावे वाला के हत्यारी लग जाई। दस गुना डोज एंगा मान ली तीन गो रोटी खाता लो दिन कहे पड़ी तनी पानियो पिया लो बीच में तो कहे लो बीच आयो तब न पी अभी। लेकिन सुना लो बुद्धि घटे बहु भोजन। अब नाम ना लेम के हा ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत बुद्धि घटे चित विषय भरमाए तेज घटे पर नारी के संगत बुद्धि घटे बहु भोजन खाए प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। क्या दर्शन करिए रोज मांगने से प्रेम समाप्त। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत मान घटे नित पर घर जाए। रोज दूसरा के दुआरी गईला से मान सम्मान सब समाप्त। दयाल कहे सुन रे मन मूरख पाप घटे हरि के गुण गाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख पाप घटे हरि के गुण गाए। इसलिए आपको सुनाए थे अरे हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। मांगने से अपने आप को बचाइए। क्यों? शरण में रहने के बाद मांगने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। राम जी कहते मैं नहीं बोल रहा हूं, राम जी बोले हैं नारद जी से। नारद जी के मन में एक पीड़ा सर्वकाल बनी रही कि भगवान ने हमारा विवाह काट दिया। भगवान आप सुने थे ना कि भगवान बानर बना के भेज दिए, खुदे राजकुमार जाके विवाह कर लिए। वनवास में जब राम जी हैं शबरी मैया को गति देने के बाद राम जी पंपा सरोवर पर बैठे थे, वहां नारद जी ने ऊपर से देखा कि हमारे श्राप के कारण भगवान बन बन भटक रहे हैं, चलो तनी हाल चाल ले लिया जाए। तो नारद जी आए बातचीत भई, बोले लेकिन प्रभु एक मेरे मन में प्रश्न है, आज अवसर भेटाइल बा पूछे के, कही तो पूछ ली रुआ से। राम जी बोले पूछिए। नारद जी बोले प्रभु जब विवाह मैं चाहूं कीन्हा प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। जिस समय मैं विवाह करना चाहता था आप मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिए? शंकर जी नहीं करना चाहते थे उनका बरियाई से करा दिए, बरबस करा दिए। हम करना चाहते थे हमारा काट दिए, ऐसा क्यों किया? राम जी कहते हैं सुनो मुनि तो ही कहाँ सहरो नारद जी। मैं आपने पूछा कि मैंने आपका विवाह क्यों नहीं होने दिया, सुनिए।
इस बात को आपको सुनाने में मुझे हर्ष हो रहा है। जो जीव, जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे बैठा रहता है, उस जीव की करूं सदा दिन के रखवा। रक्षा करता हूं कैसे, जिमी बालक राखे महता, जिमी बालक राखे महता, जिमी बालक राखे राखे।